हाय गाइस, जिन्होंने भी पिक्चर नंबर 1 चूज़ करी है, लेट्स सी कि 2021 ख़त्म होने से पहले आपकी लव लाइफ में क्या होगा, क्या चेंजेस आपकी लव लाइफ में आ सकते हैं। एंड ये रीडिंग जनरल है, टाइमलेस है, सो लेट्स सी कि आपकी लव लाइफ में क्या होगा। पिक्चर नंबर 1, 2021 ख़त्म होने से पहले। कि हमारे पास यहाँ पे द स्टार, जजमेंट, 5 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। वाओ। ओके, हमारे पास यहाँ पे साइंस तो गाइस सारे ही आए हैं। वाटर साइन आया है, अर्थ साइन आया है, एयर साइन आया है, फायर साइन भी आया है। साइंस हमारे पास सारे आए हैं। सो गाइस, सबसे पहले तो 2021 ख़त्म होने से पहले आपकी लव लाइफ में ना काफ़ी बिग चेंजेस मेरे को आते हुए दिख रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी ना आपकी लाइफ में थोड़े लड़ाई झगड़े चल रहे हैं अपने पार्टनर के साथ, चाहे मैरिड हो, अनमैरिड हो, सेपरेशन में हो, कोई भी सीन है आपका, राइट? कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट, दोनों आप सेम पेज पे हो नहीं पा रहे हो। कुछ ना कुछ आर्ग्यूमेंट्स, अंडरस्टैंडिंग नहीं बैठ पा रही है आप दोनों की, या किसी और की वजह से आपके बीच में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ऐसा दिख रहा है। और जो आपका पार्टनर है ना, वो काफ़ी काफ़ी डोमिनेटिंग या फिर काफ़ी ईगोस्टिक है, ऐसा भी है आपका पार्टनर, ऐसा भी लग रहा है। बिकॉज ये पार्टनर ना काफ़ी इमेच्योर है, काफ़ी इमेच्योर है पर्सन। पेज ऑफ पेंटिकल्स, मे बी ये पार्टनर ना अपने बारे में सोचते हैं ज़्यादा, या आपकी फीलिंग्स की केयर नहीं करते हैं, या फिर ये पार्टनर जनरली काफ़ी इमेच्योर हैं इस रिलेशनशिप में, या तो एज में छोटे हैं या फिर एक जनरली ही ये ना काफ़ी इमेच्योर है। इनको समझ नहीं है इस रिश्ते की, एक वैल्यू रियलाइज़ नहीं है। फिर ये पार्टनर जो है काफ़ी मनी माइंडेड है, मतलब इनका जो फोकस है अपने करियर पे, अपने फाइनेंसिस पे, और आपके ऊपर इतना ध्यान नहीं दे पाते। तो सबसे पहले तो ना, आप में से काफ़ी लोग शायद इस पार्टनर पे आपने बहुत इमोशनली इन्वेस्ट कर लिया है काफ़ी टाइम से। काफ़ी टाइम से ना आप अपना कप ऑफ लव लेके इस पार्टनर के पीछे पीछे घूम रहे हो, लेकिन इस पार्टनर पर केयर नहीं करी। ओके, तो आप ना, आप अपना इस पार्टनर से मूव ऑन कर रहे हो। मूव ऑन वो आपकी मर्जी है, चाहे आप टेम्प्रेरी करो चाहे परमानेंट करो, लेकिन आई थिंक आप में से काफ़ी लोग ना अब डिसाइड कर चुके हैं या फिर कर रहे हैं कि अब मुझे अपना प्यार इस पार्टनर को शो नहीं करना, अगर ये पार्टनर मेरी वैल्यू नहीं कर रहा है तो। और आप लोग ना कुछ टाइम के लिए इस पार्टनर से इमोशनल डिस्टेंस ले रहे हो कि हाँ, जब ये पार्टनर रेडी होगा, जब जब इस पार्टनर में मेचोरिटी आएगी, तभी मैं इसको अपना प्यार और कप ऑफ लव जो है वो दूंगा या फिर दूंगी। ओके, और आई थिंक अब अपना आप इस ड्रामे से दूर जाके अपनी हीलिंग कर रहे हो। आप अपने हीलिंग पे फोकस करोगे, आप अपने आप पे, अपनी सेल्फ ग्रोथ पे, मैनिफेस्टेशन पे फोकस करोगे। और अब आपका जो मेन मोटिव रहेगा लव लाइफ में इस साल, वो है कि आपको बिल्कुल पीस चाहिए इस रिलेशनशिप में। लड़ाई झगड़ों में आपको नहीं पड़ना है, फालतू के ड्रामों में नहीं जाना है, और आप अपनी हीलिंग कर रहे हो, मैनिफेस्टेशन कर रहे हो। और उसके बाद ना आपकी लाइफ में एक जजमेंट होगा, एक बहुत ही मेजर जजमेंट आपकी लाइफ में मेरे को इस साल होते हुए दिख रहा है। और वो जजमेंट जो होगा ना, वो आपको बहुत हैप्पी करने वाला है, क्योंकि अगर आपने ये ठान लिया ना कि हाँ, मुझे इस तरह के पार्टनर को अपनी लाइफ में एंटरटेन करना ही नहीं है, जो बहुत इमेच्योर है, जो मेरी फीलिंग्स की वैल्यू नहीं कर रहा है, और मेरे को कुछ टाइम के लिए इस पार्टनर से इमोशनल डिस्टेंस लेना है, अपनी हीलिंग पे ध्यान देना है, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में जजमेंट होगा। ओके, एंड वो जजमेंट जो होगा ना, वो आपको आपकी लाइफ की सारी हैप्पीनेस देगा। ये कार्ड है विक्ट्री का, 6 ऑफ वॉन्ड्स, एक विक्ट्री आ रही है आपकी लाइफ में। लोग जो हैं आपकी तारीफ कर रहे हैं, आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स, आपकी फैमिली, सब खुश हैं। और मे बी इस पार्टनर में चेंज आ जाए, और ये फाइनली आपको ये रेड रोजेस, या फिर ये जो जो ये विक्ट्री का आप जो वेट कर रहे हो ना इतने टाइम, जो आप डिजर्व करते हो हैप्पीनेस, वो ये पार्टनर आपको देगा फिर। बिकॉज अभी ये पार्टनर आपकी वैल्यू इतनी नहीं समझता, ऐसा लग रहा है मुझे। तो आई थिंक इस पार्टनर को भी और आपको भी ज़रूरत है हीलिंग की। और शायद यहाँ पे थर्ड पार्टी भी है कुछ लोगों के, तो थर्ड पार्टी भी आपकी लाइफ से बाहर जाने वाली है बहुत ही जल्द। और आई थिंक इस पार्टनर में बहुत जल्द मेचोरिटी आ जाएगी, अगर आप लोग अपने सेल्फ ग्रोथ पे ध्यान दोगे तो। और देखते हैं 2021 के एंड होने से पहले आपकी लव लाइफ में क्या होगा। पिक्चर नंबर 1,
यहाँ पे है चूज वाइजली, वी हैव टेम्पटेशन, अवेयरनेस और थ्रॉट चक्र। तो अगर ये पार्टनर का थ्रॉट चक्र ब्लॉक्ड है सबसे पहले, तो अगर ये आपसे ढंग से बात नहीं करता है, फिर बात करता ही नहीं है, या ढंग से अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पाता है ये पार्टनर, तो बिल्कुल इस साल ये पार्टनर आपसे अपनी फीलिंग्स भी एक्सप्रेस करेंगे और जो अपना सच है ना वो भी आपको बताएंगे। ये साल विल बी ईयर ऑफ कम्युनिकेशन, और आई थिंक एक अवेयरनेस आ रही है, आपकी कोई बड़ी मैनिफेस्टेशन है जो पूरी हो रही है इस साल रिलेटेड टू दिस लव लाइफ, दिस पार्टनर। और आई थिंक आप अपने आप को ना इतना हील कर लोगे कि आप जो भी मैनिफेस्ट करोगे ना वो पूरा हो जाएगा। और कुछ लोगों के लिए गाइडेंस ये भी है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये पार्टनर आपके लॉन्ग टर्म में सही नहीं है, तो आप ना अपनी चॉइसेस को ढंग से आप एनालाइज करो, एंड इफ़ यू फील कि कोई और है आपके लिए बेटर, तो आप उसको भी चूज़ कर सकते हो। बिकॉज शायद आप में से काफ़ी लोग ऐसे हैं जो बहुत ही सालों से वेट कर रहे हैं इस पर्सन का, लेकिन अभी तक इस पर्सन ने आपकी फीलिंग्स की कदर नहीं करी है। तो मे बी आपको अब दूसरे ऑप्शंस आप ट्राई करो इस साल, कुछ लोग शायद ऐसा हो सकता है, एंड कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो काफ़ी अट्रैक्टेड हैं इसी पार्टनर के लिए, तो आप लोग वेट भी करोगे इस पार्टनर का। मे बी कनेक्शन है जो आपको फील नहीं होता किसी और के साथ, तो मे बी वो आपकी चॉइस है, बट आई कैन फील कि ये पार्टनर ना चेंज हो रहे हैं और एक कम्युनिकेट कर रहे हैं आपसे क्लियरली ये पर्सन। बट आप में से काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो मूव ऑन, फाइनली मूव ऑन करके अपनी लाइफ में एक नया पार्टनर जो है वो मैनिफेस्ट करेंगे, और जो उनके पास जो चॉइसेस हैं वो भी देखने वाले हैं। और देखते हैं आपकी लव लाइफ इस साल क्या होगा, आपकी लव लाइफ में बिफोर 2021 एंड्स। ओके, वी हैव फॉरगिवनेस, कंपैटिबिलिटी, यिन एंड यांग, रीपेरेंटिंग योर सेल्फ। तो ये साल इट्स ऑल अबाउट सेल्फ ग्रोथ, अपने आप को रीपेरेंट करो। मे बी आप लोग करोगे करोगे अपने आप को, अपने आप की हीलिंग करोगे, अपने आप का बेस्ट वर्जन जो है ना वो सामने लेके आओगे, और उसके बाद आपको आपका ट्रू सोलमेट, आपका काउंटर पार्ट मिलेगा, और वो आपके कंपैटिबल होगा। चाहे तो फिर वो यही पार्टनर आपकी लाइफ में फिर से आएगा जब वो आपके कंपैटिबल हो जाएंगे, और यही आपके ट्रू सोलमेट, आपके ट्विन फ्लेम होंगे। एंड आई थिंक आप में से काफ़ी लोगों के जो एक्सेस हैं या जो पार्टनर हैं वो आ रहे हैं आपसे माफ़ी मांगने, फॉरगिवनेस, वो आपसे माफ़ी भी मांगेंगे। मे बी यू नो कुछ कॉन्फ्लिक्ट आर्ग्यूमेंट चल रहे हैं अभी आपके बीच, तो उसकी माफ़ी मेरे को दिख रही है, और आई थिंक आप उनको माफ़ कर दोगे, और उसके बाद आपके रिलेशनशिप में जो नई शुरुआत होगी, यिन एंड यांग, कंपैटिबिलिटी, तो आप लोग ना कंपैटिबल बनोगे दूसरे के, फिर आप दोनों ना सेम पेज पे होगे, और आपका रिलेशनशिप जो है ना वो एक नए सिरे से इस साल जो है वो स्टार्ट होगा, और एक दोनों की हीलिंग हो जाएगी ना उसके बाद, दोनों का जो बॉन्ड है ना वो और स्ट्रांग हो जाएगा, ऐसा भी है। ठीक है, अब देखते हैं इम्पॉर्टेंट मंथ्स, कब तक चीज़ें जो हैं आपके लिए पॉसिबल हैं इस साल। जुलाई, नवंबर, अक्टूबर एंड अप्रैल, तो ये 4 मंथ्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेंगे। चलिए और देखते हैं कि आपकी लाइफ में इस साल, लव लाइफ में तो यहाँ पे पहला कार्ड आया है क्लियर द पास्ट, हील द प्रेजेंट। तो आई टोल्ड यू कि कुछ लोग शायद अपने पास्ट को बिल्कुल ही हटा के, अपने आप को हील करके अब नए ऑप्शंस ट्राई करेंगे इस साल, एंड कुछ लोग शायद पास्ट की लड़ाइयाँ झगड़ों को बुला के अपने पार्टनर को माफ़ करके उनके साथ नई शुरुआत करने वाले हैं। ओके, तो वो आपकी चॉइस है कि आप किस तरह से अपनी लाइफ को स्टार्ट करते हो। देन वी हैव अ फ्रेश न्यू वे ऑफ लिविंग एमर्जेस, ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है गाइस, इस रिश्ते में एक अच्छा नया शुरुआत जो दिख रही है मुझे। वी हैव एम्ब्रेसिंग एंथुजियाज्म, शाउट टू द हेवंस विद हैप्पीनेस। तो कुछ ऐसा आपकी लाइफ में कुछ बहुत हैप्पी होने वाला है कि आप ना गॉड को बहुत थैंक्स बोलने वाले हो इस साल। चाहे न्यू पार्टनर आपकी लाइफ में आए, चाहे ओल्ड पार्टनर आए और आप नई शुरुआत करो, लेकिन वो जो भी होगा वो आपको हैप्पीनेस देगा। वो आपकी खुद की चॉइस होगी, आप हैप्पी होगे उस चॉइस में और आप डिवाइन को थैंक्स बोलोगे। और देखते हैं पिक्चर नंबर 1,
वी हैव अ स्टबर्न एग्रेसिव पर्सन, तो मे बी आपका पार्टनर भी बहुत स्टबर्न एग्रेसिव, आपकी फीलिंग्स की केयर नहीं करते हैं ये. कंट्रोल योर एंगर और यू विल बी सॉरी, तो आपको अपने गुस्से पे कंट्रोल करना सीखना है इस साल. पीस एंड हार्मनी आएगी गाइस इस साल. न्यू होम न्यू एटीट्यूड, तो मे बी मैनी ऑफ यू आर गेटिंग मैरिड, शिफ्टिंग टू अ न्यू होम, नया घर ले रहे हो अपने पार्टनर के साथ. रोमांस सेलिब्रेशन पार्टी, तो कुछ पार्टी हो रही है आपके लिए इस साल, कोई सेलिब्रेशन हो रहा है, मे बी आपका कोई फंक्शन हो रहा है ऐसा दिख रहा है मुझे. तो कुछ ना कुछ तो है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए इस साल. ओके अब देखते हैं लेटर्स. ओके वी हैव यहाँ पे क्रिया था ये. चलिए यहाँ पे आपके लेटर्स आए हैं एम एम यू एफ आर के जी ए बी डी क्यू एस एन डब्ल्यू वी आर एन आई आई टी जे सी एंड एस. ओके तो कोई वर्ड अगर बन रहा है तो प्लीज़ लेट मी नो. यहाँ पे अगर कुछ वर्ड आपको दिख रहा है तो ओके यहाँ से चलिए हम लास्ट कार्ड निकालते हैं आपके लिए. आपके लिए एक गाइडेंस निकालेंगे इस साल आपको किस बात का ध्यान रखना है आपकी लव लाइफ में. तो आपके लिए कार्ड आया है पिक्चर नंबर 1, ट्रू विजडम एंड मेकिंग गुड चॉइसेस इन लाइफ. तो आपको इस साल अपनी चॉइसेस जो है वो इम्प्रूव करनी है. अगर आपको ऐसा फील है कि ये पार्टनर लॉन्ग टर्म के लिए मेरे लिए टॉक्सिक है तो आप अपनी चॉइसेस चेंज करिए, बिकॉज कार्ड भी आया था यहाँ पे चूज़ वाइजली. एंड इफ़ यू फील कि ये पार्टनर जो है वो आपका चेंज हो गया है और सब कुछ आप सही है तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर दिस पार्टनर. ओके इट्स योर चॉइस, लेकिन जो भी हो आपको अपना इनर वर्क जो है ना इस साल पूरा पूरा करना है और उसके बाद सब कुछ सही हो जाएगा. ओके गाइज सो लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू. हेलो गाइज, जिन्होंने भी पिक्चर नंबर 1 चूज़ करी है, लेट्स सी कि 2021 ख़त्म होने से पहले आपकी लव लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे. ओके चाहे आपकी लव लाइफ की सिचुएशन अभी कुछ भी है, आप कॉन्टैक्ट में हैं नहीं है विथ योर पार्टनर, लेट्स सी क्या चेंजेस आएंगे आपकी लव लाइफ में. नंबर 2. ओके पहला कार्ड है यहाँ पे 6 of Wands, दूसरा कार्ड है 7 of Cups, द चैरियट, 5 of Swords, द मून. वी हैव 6 of Swords. बॉटम ऑफ द डेक वी हैव लवर्स. ओके सो गाइज यहाँ पे हमारे पास 3 मेजर अरकाना कार्ड्स हैं. ओके यहाँ पे साइंस हमारे पास आए हैं जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस एरीज लियो सैज कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो, स्पेशली कैंसर यहाँ पे डोमिनेटिंग है एंड स्कॉर्पियो आल्सो. ओके सो गाइस इस साल ना आपकी लव लाइफ जो बहुत टाइम से स्टक थी, सबसे पहले तो वो मूव करने वाली है बहुत एट अ फास्ट स्पीड. जो बहुत टाइम से आपकी लव लाइफ स्टक थी, आगे नहीं बढ़ रही थी ना, इस साल आपको एक रास्ता एक डायरेक्शन मिलेगा आपकी लाइफ में. एंड इस साल आपकी विक्ट्री भी होगी आपकी लव लाइफ में. 6 of Swords एक ट्रैवलिंग है, कहीं जा रहे हो आप दूर इस साल, ऐसा भी है. मे बी आप ट्रैवल कर रहे हो विथ योर पार्टनर इस साल, ये भी दिख रहा है मुझे. कहीं दूर जाके सेटल हो रहे हो या कहीं ना आप सेटल हो रहे हो विथ योर पार्टनर. जहाँ आप रह रहे हो उस जगह को छोड़ के यू आर गोइंग विथ योर पार्टनर समवेयर एल्स, ऐसा है. एंड आई थिंक ऐसा भी है कि आप अभी डील कर रहे हो जिसके साथ, वो काफ़ी डोमिनेटिंग है, काफ़ी लड़ाकू है या काफ़ी
ईगोइस्टिक या काफ़ी ऐसा पर्सन है जो अपने बारे में सोचता है, राइट? तो अभी शायद कुछ लोग ऐसा हैं कि कुछ लोग ना उस पार्टनर को छोड़ के अपनी लाइफ में किसी नए पार्टनर को चांस दें। सेवन ऑफ कप्स, आपके सामने ऑप्शंस भी होंगे इस साल आपकी लव लाइफ में, आपके सामने ऑप्शंस हैं और मे बी आपको एक को चूज करना है, ऐसा भी है, राइट? बिकॉज लेकिन आप ना इस साल काफ़ी इंट्रोवर्ट होने वाले हो, आप ना अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस शेयर नहीं करोगे इतने, आप ना अपने इनर सेल्फ में जाके अपने लिए एक चॉइस लोगे कि मेरे लिए क्या बेटर है, और आपकी जो चॉइस लोगे ना उसमें आप सक्सेसफुल भी होगे। क्योंकि जो भी आप चॉइस लोगे, चाहे आपका पार्टनर शादी कर रहा हो, कोई नया पार्टनर आपकी लाइफ में आ रहा है, लेकिन जो चॉइस लोगे आप वो आपके लिए बहुत हैप्पीनेस लेके आएंगी, क्योंकि आप एट दी एंड ऑफ द डे आप विनर बनने वाले हो। सब लोग आपके लिए बहुत खुश होंगे, आपके फैमिली, आपके फ्रेंड्स, और स्पेशली आप जो हो ना बहुत खुश होगे इस साल आपकी लव लाइफ में, बिकॉज आपको सक्सेस मिल रही है। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स इज अ कार्ड ऑफ विक्ट्री, इस साल आपकी लाइफ में विक्ट्री आ रही है। और ऐसे नहीं कि आप इस साल सिर्फ लव लाइफ पे ही फोकस करोगे, आपका फोकस जो है ना मल्टीपल चीज़ों पे रहेगा, अपने आप पे भी, लव लाइफ पे भी, करियर पे भी, हर तरह से, फैमिली पे भी, आपका फोकस ना मल्टीपल चीज़ों पे रहेगा इस साल, ऐसा लग रहा है। ओके, एंड अगर थर्ड पार्टी है आपकी आपकी लाइफ में, आपके पार्टनर की लाइफ में, तो इस साल मुझे वो जाती हुई दिख रही है। ओके, बिकॉज आपके पार्टनर आपको ही चूज़ करने वाले, और इस साल ना आपसे कोई मिलने भी आ रहा है काफ़ी दूर से, चैरिट कार्ड है, आप मिलने जा रहे हो। लेकिन इस साल मुझे आपके लिए ट्रैवलिंग बहुत दिख रही है, ट्रैवल बहुत कर रहे हो विथ योर पार्टनर, मिलने जा रहे हो, मिलने आ रहे हैं, या शादी के बाद ट्रैवल कर रहे हो, ऐसा कुछ है। लेकिन हाँ, जो भी है, क्लैरिटी आ रही है, कन्फ्यूजन जो है वो दूर हो रहा है। कन्फ्यूजन में तो हो यहाँ पे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे कन्फ्यूजन दूर हो रहा है आपका। अभी आप बहुत कन्फ्यूज हो कि आपकी लाइफ कहाँ जा रही है, किस डायरेक्शन में आपकी लाइफ जा रही है, लेकिन क्लैरिटी आ रही है स्लोली एंड स्टेडीली। और कार्ड्स देखते हैं, योर लव लाइफ बिफोर 2021, क्या चेंजेस आएंगे बिफोर दिस ईयर एंड्स। वी हैव ट्रूथ, यूनिवर्स, पैशन, इग्नाइटेड, डेस्टिनी। कितने अच्छे कार्ड्स आए गाइज आपके लिए, तीन 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 मेजर काना कार्ड्स। और जो ये कार्ड आया है, दिस इज़ एस ऑफ वॉन्ड्स, ये कार्ड है एक नई शुरुआत का, आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत हो रही है गाइज, आपके पार्टनर के साथ, और वो आपकी चॉइस है कि आप किसको चूज़ करते, योर न्यू पार्टनर और योर ओल्ड पार्टनर। ओके, लेकिन फॉर मोस्ट ऑफ यू इट्स योर करंट पार्टनर जिसके साथ आप अभी हो, जिसका आपको इंतज़ार है, क्योंकि ये पार्टनर जो है ना, ये आपकी डेस्टिनी में ही लिखा हुआ है। डेस्टिनी, आपकी डेस्टिनी इस साल आपका साथ दे रही है, और साथ में यूनिवर्स भी, दोनों ही आपके साथ हैं आपकी लव लाइफ में इस साल। और दोनों का जो जजमेंट होगा ना वो आपके फेवर में होगा, और आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत होगी। जिस जीत का, जिस विक्ट्री का आपको वेट है इतने टाइम से, जिस मैनिफेस्टेशन के पूरे होने का आपको वेट है, उसका जजमेंट आपको इस साल मिलेगा, राइट? कार्ड नंबर 10, मे बी इन अक्टूबर, ऐसा भी लग रहा है मुझे, अक्टूबर वाली वाइब आई है मेरे को यहाँ पे। मे बी डेस्टिनी आपका साथ देगी इस साल बहुत, और जो यूनिवर्स है, आपका पार्टनर जहाँ भी है, चाहे कॉन्टैक्ट में है नहीं है, वो यूनिवर्स आपका पार्टनर आपके पास लेके आएगा। ओके, एंड आई थिंक यू आर डीलिंग विद समवन हु इज़ इन अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, मे बी फ्रॉम डिफरेंट स्टेट और कंट्री, ऐसा हो सकता है। लेकिन इस साल जजमेंट हो रहा है, जजमेंट आपके फेवर में, और एक नई शुरुआत हो रही है आपकी लव लाइफ में, तो एक बहुत ही खूबसूरत नई शुरुआत। और जो भी बैड फेजेस, बैड साइकिल थे ना, वो ख़त्म हो रहे हैं, स्लोली स्लोली ख़त्म हो रहे हैं। और देखते हैं इस साल आपकी लव लाइफ में चेंजेस। सोलमेट्स, डेटिंग, रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट, सेक्सुअल फ्रीडम, वाओ गाइस, लॉटरी, रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट। सबसे पहले तो लड़ाइयाँ झगड़े चल रहे हैं रिश्ते में आपके, वो रिजॉल्व करोगे अपने पार्टनर से मिलके। आपकी ना अंडरस्टैंडिंग इस साल बहुत बढ़ने वाली है अपने पार्टनर के साथ। ओके, आप ना बहुत एक आपका जो बॉन्ड है वो डीप होने वाला है। अगर वो आपसे नाराज़ है तो आप उनको मना लोगे, या फिर वो आपको मना लेंगे, लेकिन झगड़े आप सारे सॉल्व कर लोगे इस साल। सेक्सुअल फ्रीडम, सोलमेट, डेटिंग, डेट करना स्टार्ट कर रहे हो उस पार्टनर को फिर से, या फिर आप अपने सोलमेट से मिल रहे हो, या फिर ये पार्टनर आपका सोलमेट है और
और आपका बॉन्ड इससे बहुत स्ट्रांग हो रहा है और रियलाइज हो रहा है इस पार्टनर को भी कि यह पार्टनर आपका सोलमेट है. आपका बॉन्ड बहुत डीप हो रहा है इस साल इस पार्टनर के साथ. एंड आप दोनों का कनेक्शन जो है ना फिर से बन रहा है. डेट कर रहे हो, एक स्ट्रांग कनेक्शन में आ रहे हो, शादी कर रहे हो ऐसा भी दिख रहा है. एंड यू हैव सेक्सुअल फ्रीडम, तो सिर्फ इमोशनल लेवल पे ही नहीं फिजिकल लेवल पे भी मिल रहे हो एक दूसरे से. फिजिकली भी बहुत क्लोज आ रहे हो अपने पार्टनर के साथ आप. और हर तरह से आप दोनों का बॉन्ड इस साल स्ट्रांग हो रहा है. आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है, इमोशनली भी पास आ रहे हो, फिजिकली भी पास आ रहे हो, अंडरस्टैंडिंग भी कर रहे हो एक दूसरे को. सो बहुत ही ब्यूटीफुल न्यू बिगनिंग हो रही है आपकी इस साल. चलिए और देखते हैं कौन से इंपॉर्टेंट मंथ रहेंगे आपके लिए इस साल. अक्टूबर, आई टोल्ड यू ना यहाँ पे अक्टूबर, अक्टूबर का कार्ड भी आ गया. जून, नवंबर, वी हैव अगस्त एंड जुलाई. तो ये मंथ्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे. अब देखते हैं यहाँ से और क्या है आपके लिए, क्या रहेगा इस साल के एंड होने से पहले आपकी लव लाइफ में. पहला है डिस्कवरिंग ट्रूथ, यू स्टैंड इन द लाइट ऑफ ट्रूथ. तो जजमेंट कार्ड भी आया था ना यहाँ पे, तो ट्रूथ आपको चलेगा मालूम इस रिलेशनशिप का. ग्रेट एडवेंचर, टेक अ रिस्क, वेंचर फॉरवर्ड. तो ये आपकी जो लव लाइफ है ना ये किसी एडवेंचर से कम नहीं है. तो यहाँ पे रिस्क रिस्क लो और आगे बढ़ो अपनी लाइफ में, आगे बढ़ते रहो. चैलेंजेस कितने भी आए आपको रुकना नहीं है. वी हैव ट्रांसफॉर्मेशन, अ फ्रेश न्यू वे ऑफ लिविंग एमर्जेस. तो ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है गाइज, एक बहुत ही बढ़िया ट्रांसफॉर्मेशन जिसका आपको वेट है. रिजुविनेटिंग रेन, क्लियर द पास्ट, हील द प्रेजेंट. तो अगर लड़ाइयाँ झगड़े हैं तो उसको पास्ट में ही रहन दो और अपने प्रेजेंट को हील करो और एक नई शुरुआत करो अपने पार्टनर के साथ. ओके, यहाँ से अब देखते हैं आपके लिए क्या एडवाइस है. वी हैव स्पिरिचुअल गाइडेंस, प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्म. तो स्पिरिट्स आपके साथ हैं इस साल. और क्या होगा, अनसेटल्ड टाइम, नीड टू प्लान अहेड. तो अभी टाइम्स जो हैं वो काफ़ी कंफ्यूजिंग है, तो प्लान करिए आगे अच्छे से. देन वी हैव करियर, करियर पे भी ध्यान दीजिए. एंड देन वी हैव मनी पाथ, अ पाथ विथ मनी इज वेटिंग फॉर यू टू फाइंड इट. तो आपका लव लाइफ ही नहीं, आपका करियर लाइफ भी इस साल बहुत ग्रो करेगा. गुड लक, तो गुड लक इस साल आपके साथ है, आपको फेथ रखना है बस. एंड फोर्सेज वर्किंग अगेंस्ट यू. तो अभी चीज़ें जो हैं आपके अगेंस्ट चल रही हैं, राइट, आपके हिसाब से नहीं चल रही हैं, लेकिन आपको गिव अप नहीं करना है, आपको ट्रस्ट रखना है अपने एंजल्स पे. वो कह रहे हैं कि वो आपके साथ हैं. ओके, यहाँ पे लेटर्स निकालते हैं आपके लिए. वी हैव जे ए पी एल बी टी एफ वाई ए ई एम, उनका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, प्लेस का नेम. बी जी टी ओ आर डी ए जेड के आर एंड यू. कोई वर्ड बन रहा है तो गाइज प्लीज लेट मी नो. यहाँ पे तो मुझे फिर से एक वर्ड दिख रहा है जो कि आया भी था आपके लिए, डेट. तो आप लोग डेट कर रहे हो इस पार्टनर को, या फिर आपका आपके लिए कोई इम्पोर्टेंट डेट इस साल जो है वो निकाली जाएगी. मे बी आपकी शादी की डेट, ऐसा कुछ हो सकता है. अब आपके लिए हम इस साल के लिए एक एडवाइस निकालते हैं. ओके, आपके लिए एडवाइस है ट्रांजिशन टू अ हायर लेवल ऑफ बींग, रेजिंग योर एनर्जेटिक वाइब्रेशन, एनलाइटनमेंट. तो आपको इस साल अपनी एनर्जीज को हाई रखना है, लो नहीं होने देना है. ओके, अपनी एनर्जीज को हाई रखो, वाइब्रेशंस को हाई रखो और अपना एनलाइटनमेंट करो. स्पिरिट गाइड्स पे ट्रस्ट रखो और
हमेशा पॉजिटिव सोचो, यही आपके लिए एडवाइस है फॉर दिस ईयर. ओके गाइस, सो लाइक शेयर सब्सक्राइब. थैंक यू.